हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैं एप्सन L6460 ये जो प्रिंटर है ये 2 महीने पहले मैं ख़रीदा था, इसका इंस्टॉलेशन और वगैरह जो भी है वो मैं दिखाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अभी इस वीडियो में मैं इस प्रिंटर का जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो टोटल मैं बताऊंगा। असल में मैं एक बंगाली हूँ और मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्षमा कीजिएगा। जो भी है, मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअल बात जो है, पिछले 2 महीने से मैं ये प्रिंटर मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं घर से ही अपना जेरोक्स का बिज़नेस चलाता हूँ। और मेरा जो पड़ोसी लोग जो है वो आके इधर से जेरोक्स प्रिंट आउट करके जाता है। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि एक जेरोक्स का शॉप ओपन करना मतलब करने के लिए सोच रहा है, या फिर जिसका छोटा मोटा जेरोक्स का शॉप है, उनको उनके लिए ये प्रिंटर सही होगा, लेना सही होगा या नहीं, और मैं इस 2 महीने में 2 महीने से ये जो प्रिंटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 2 महीने में ये क्या इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है, मतलब क्या प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ, और इसका जो फीचर है वो कितना अच्छा है, और ये प्रिंटर मैं कितने में लिया था, ये टोटल डिटेल्स मैं फीचर बाय फीचर इस वीडियो में कवर अप करूँगा। तो पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक में। ये प्रिंटर स्टार्ट होने में कितना टाइम लेता है, तो इधर देखिए, इधर मेरा स्विच दिया ही हुआ है और इधर स्विच ऑफ है, तो प्रिंटर का ये स्विच मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन हो गया। और इधर ये स्विच का बटन है प्रिंटर का, इसको मैं दबा देता हूँ, तो मैं दबा दिया। अभी देखिए कितना टाइम लेता है, लगभग 3 सेकेंड के अंदर, 3 से 5 सेकेंड पकड़ के चलिए, 3 से 5 सेकेंड के अंदर ये प्रिंटर ऑन हो गया। बहुत ही सिंपल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रिंटर उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है, एकदम छोटे एक टेबल के ऊपर मैं ये प्रिंटर बैठा के मैं रखा हूँ और इधर से ही पूरा काम चलता है मेरा। हाँ, तो इतना भी ये बड़ा नहीं है। और इसका और एक जो कैसेट जो मतलब ट्रे है, पेपर लोडिंग का जो ट्रे है, ये मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये जो ट्रे है इसमें आप लगभग 100 पेपर एक साथ आप लोड करके रख सकते हैं। एप्सन कंपनी ने इस प्रिंटर में डुअल स्कैनिंग का ऑप्शन दिया है। इधर देखिए, इधर एक ADF है, इधर भी आप एक साथ 40 से 50 पेज रख के इस 40 से 50 पेज रख के आप स्कैन करके जेरोक्स निकाल सकते हैं। और ये बंद करके इधर भी एक A4 साइज़ का जगह है जहाँ पे आप नॉर्मली जैसे हर एक प्रिंटर में रहता है, इधर से भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये है डुअल स्कैनिंग फीचर इस प्रिंटर का, जो एक बड़ा जेरोक्स मशीन में या फिर कैनन का जो IR जो मॉडल है उन सब में होता है। इधर जो ADF का जो फैसिलिटी कंपनी ने दिया है, इधर से आप मैक्सिमम लीगल साइज़ तक LGL, ये देखिए इधर लिखा हुआ है, लीगल साइज़ तक आप पेपर स्कैन कर सकते हैं। और इसका जो स्कैनिंग का जो रेजोल्यूशन है, कंपनी क्लेम करता है कि 4800x1200 DPI में ये स्कैन हो जाएगा, इधर से भी स्कैन हो जाएगा और इधर से भी, ठीक है। प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है, ये स्कैनिंग के रेजोल्यूशन के वजह से इसका प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत मस्त आता है, बहुत बढ़िया है, जो मैं आपको अभी प्रिंटिंग करके एक दिखाता हूँ। अभी देखिए, इधर एक मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा इसका प्रिंट क्वालिटी है, ओके, और कितना जल्दी ये प्रिंट होके निकलता है नॉर्मल स्कैनिंग करके। इधर से मैं स्कैनिंग करूँगा, तो ये मैं ओपन कर लिया, तो इधर मैं दिखाया, इधर बैठाया, ये जो पेपर है रख दिया, इसको बंद कर दिया। अभी इधर जाके कॉपी में ब्लैक एंड वाइट वन साइड में प्रिंटिंग करूँगा, ये मैं आप
कमेंट दे दिया, अभी देखिए कितना टाइम लेता है। तो अभी लगभग 5 से 7 सेकेंड के अंदर ये देखिए ये प्रिंट कॉपी निकल के आया है, कितना अच्छा। देखिए जो पहले था ये देखिए, ये दोनों का क्वालिटी देखिए। ये है जेरोक्स जो अभी मैं प्रिंट करके मैं निकाला हूँ, और ये है ओरिजिनल जिसका मैं प्रिंटिंग लिया हूँ। अब क्वालिटी देख लीजिए, बराबर एक ही है, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। ये देखिए इस एप्सन ने, कंपनी ने इस प्रिंटर में डबल साइडेड प्रिंटिंग मतलब डुप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन भी दिया है, जो आप एक बार में मतलब एक साथ आप निकल सकते हैं। तो आप देखिए आपके सामने ये जो पेपर है इसका इधर भी लिखा हुआ है और इस साइड भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं एक कॉपी डबल साइड प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, और कितना टाइम लेता है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये मैं ओपन कर लिया, इसको मैं ऐसे लगा दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया। ये देखिए इधर टू साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन है, इधर मैं क्लिक करूँगा, पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो मैं पोर्ट्रेट में ही मैं करूँगा, ओके करूँगा, ओके, और इसका कॉपी कमेंट मैं दूँगा। देखिए कैसे डुप्लेक्स प्रिंटिंग होता है इस प्रिंटर में। अच्छा, इधर पेज टर्न करने के लिए बोल रहा है कि प्लीज पेज टू ऑन द स्कैनर ग्लास एंड स्टार्ट स्कैनिंग, सिलेक्ट डन टू प्रिंट द स्कैन पेजेस। तो अभी मैं इसको ओपन कर लूँगा और इस पेज को पलट के ऐसे रख दूँगा, इसके बाद ये मैं बंद कर देता हूँ, फिर स्टार्ट स्कैनिंग ऑप्शन मैं दबा देता हूँ। अभी कमेंट ले लिया है, अभी देखिए कितना टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेता है ये, हो गया। देखिए ये प्रिंट होके निकला है, ये देखिए एक साथ में इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। ये है इसका प्रिंट क्वालिटी। और अभी अगर इसका जो कलर जो है, कलर प्रिंटिंग का जो है, कलर प्रिंटिंग भी बहुत बढ़िया आता है। मैं जो है ये मैं कल किया था कलर प्रिंटिंग आपको दिखाने के लिए, तो इसका कलर प्रिंटिंग का ये देखिए कितना क्लैरिटी है, कितना अच्छा इसका क्लैरिटी है कलर में, और इधर ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है, बहुत अच्छा प्रिंटर है। एक्चुअली आप एक छोटा मोटा जेरोक्स मशीन कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन जो कंपनी ने दिया है, ठीक है, और जो लोग मतलब बहुत बड़ा मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने मतलब एक स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके मतलब अंडर 30,000 के अंदर, हाँ, तो वो लोग ये प्रिंटर आराम से खरीद सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ऐसे टाइप का डॉक्यूमेंट आप अगर इस प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा वो लगभग 12 पैसे से 15 पैसे के अंदर आएगा, ठीक है, इतना कम में आता है, बहुत कम इसका प्रिंटिंग कॉस्ट आता है। और अगर ये अगर आप कलर में प्रिंट करेंगे, जैसे ये है इसका अगर कलर में प्रिंट करेंगे तो इसका कॉस्टिंग भी लगभग आपका 25 से 30 पैसे के आसपास आएगा। तो आराम से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपका आप कलर में प्रिंट करके आप कस्टमर से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, ADF से इस प्रिंटर में से आप कैसे स्कैन करके इसका कॉपी निकालेंगे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा जो डॉक्यूमेंट,
सिंगल साइड इसका कॉपी मैं निकालूंगा इस प्रिंटर से। तो अब देखिए इसको मैं A4 साइज का है, इसको मैं ऐसे डाल दिया इधर। जैसे ही आप डालेंगे तो इधर प्रिंटर में एक नॉक आएगा, ठीक है, और इधर ये जैसे A4 है इसको मैं थोड़ा इधर कर दिया। अभी इसको हम कॉपी का ऑप्शन देंगे, कॉपी, ये देखिए स्कैन हो रहा है, ADF में से स्कैन हो रहा है। स्कैन होके इधर चला आया और इधर इसका कॉपी निकल के आ गया, देख लीजिए इधर इसका कॉपी निकल के आ गया है। तो ऐसे इस प्रिंटर से आप ADF में स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके कॉपी निकाल सकते हैं। अभी इस प्रिंटर का और सबसे बढ़िया जो एक फीचर है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो फीचर है वाईफाई प्रिंटिंग। तो वाईफाई प्रिंटिंग में आप मोबाइल से, आप आराम से मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट है तो मोबाइल से आराम से आप प्रिंट कर सकते हैं, और उसका क्वालिटी कैसा आता है वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये देखिए इधर मेरा मोबाइल है, इधर मेरा मोबाइल है और इधर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करके रखा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट का ऑप्शन दूँगा। तो इधर मैं चला गया प्रिंट में, ये देखिए ऑप्शन हो गया। अभी देखिए प्रिंटर से कितना जल्दी हो रहा है, देखिए हो गया, कितना फास्ट है, ठीक है, बहुत फास्ट है। और इसका जो क्वालिटी जो है ये भी देख लीजिए, इसका प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रिंटिंग क्वालिटी है। अभी आपको दिखाऊंगा इस प्रिंटर से आप वाईफाई के थ्रू मोबाइल से अगर एक कलर कॉपी निकालना चाहते हैं तो उसका क्वालिटी कैसे आता है। तो ये देखिए इधर ये मोबाइल में मैं एक ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट मैं करके रखा था, तो इसको मैं कलर में प्रिंट करने का ऑप्शन दूंगा। तो इधर देखिए इधर मैं प्रिंटिंग दे दिया हूँ, तो कमेंट चला गया है, अभी इसका प्रिंटिंग हो रहा है। और ये प्रिंटिंग मैं हाई क्वालिटी में मैं नहीं दिया हूँ, ये स्टैंडर्ड में मैं दिया हूँ। और ये जो प्रिंटिंग हो रहा है ये A4 साइज में हो रहा है, 70 GSM A4 साइज का JK का पेपर है। तो ये देखिए कितना जल्दी प्रिंट होकर चला आया, और इसका क्वालिटी देखिए, प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए, ये है इसका प्रिंटिंग, बहुत अच्छा प्रिंटर है। और इस प्रिंटर से आप देखिए इस प्रिंटर से आप आराम से फोटोकॉपी भी निकल सकते हैं, जो मैं आपको दिखाना भूल गया था। ये देखिए इधर ये ट्रे ओपन करके इधर जो है इधर एक ऑप्शन है, इसको मैं ये देखिए इधर से आप वो जो पासपोर्ट साइज का जो ग्लॉसी पेपर में फ़ोटो आता है, ठीक है, वो इधर से आप निकाल सकते हैं। तो इतना सारा फीचर है इस छोटे से प्रिंटर में, और लगभग 2 महीने से इस प्रिंटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस 2 महीने में फ़िलहाल अभी तक तो कोई दिक्कत तो आया नहीं है। तो ये जितना फीचर मैं आपको दिखाया है ये इस प्रिंटर का सबसे बड़ी खासियत ही है। और ये प्रिंटर जो मैं लिया था तब इसका प्राइस लगभग 26,000 के आसपास पड़ा था, ठीक है, आप अमेजोन में आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्रिंटर का लिंक मैं डाल दूंगा, तो उधर से जाके आप परचेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो अभी इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज जो है ये जो प्रिंटर है ये कभी कभी, मतलब जब आप एक साथ जो डीट का जो कॉपी आता है ना, ठीक है, डीट का इधर से मेरा कॉपी निकलता है, बहुत कस्टमर आता है जिसमें एक साथ 50 या 100 कॉपी एक साथ निकलता है, तो एक साथ 50 या 100 कॉपी निकलने के बाद कभी कभी, मतलब हर वक्त नहीं, कभी कभी ये प्रिंटर थोड़ा टाइम लेता है और कभी कभी एक दो बार पेपर भी फंस जाता है। लेकिन वो तो देखिए ये पेपर फंसने का जो प्रॉब्लम है ये तो लगभग हर एक बड़ा प्रिंटर में भी होता है, ये एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से, इसका जो प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रिंटर बहुत बढ़िया है। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये प्रिंटर ख़रीदना सही होगा या नहीं, तो मैं आपको एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं
आपको बोलना चाहता हूँ कि आप आंखें बंद करके ये प्रिंटर आप खरीद सकते हैं, और और इसका जो इंक का जो कॉस्टिंग आता है वो भी उतना भी ज़्यादा नहीं है, लगभग आपका 600 से 800 के अंदर आ जाता है लगभग, ठीक है। और ये इंक बहुत मतलब बहुत दिन चलता है। कंपनी का क्लेम तो है कि ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में एक इंक मतलब एक बॉटल इंक में आपका लगभग 7,500 पेज इसका प्रिंट होता है, और कलर में 6,000 पेज प्रिंट होता है। तो मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि 7,500 अगर पेज अगर प्रिंट नहीं भी होता है, अगर इसमें से आपका ब्लैक एंड व्हाइट में 5,000 भी प्रिंट अगर होता है और कलर में आपका 4,000 भी प्रिंट अगर होता है तो भी आपका बहुत फ़ायदा है। तो जो लोग एक छोटा मोटा जेरोक्स का बिजनेस ओपन करने के लिए सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि और जिसका मतलब ऑलरेडी इस्टाब्लिश बिजनेस है और जिसको होम पर्पस के लिए चाहिए, या फिर आपका डेली 300 से 500 के 500 पीसेस के अंदर आपका शॉप में जेरोक्स होता है, उसके लिए ये प्रिंटर बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया प्रिंटर है और इसका जो क्वालिटी है ये तो लाजवाब है, ठीक है। तो आप आराम से इस प्रिंटर को खरीद सकते हैं। ये प्रिंटर का अभी जितना ये फीचर मैं आपको दिखाया टोटल मैं कवर करने का कोशिश किया, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रिंटर रिलेटेड और भी मोबाइल्स रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल में आगे डालने वाला हूँ। तो आज के लिए इधर ही ख़त्म करते हैं। चलिए, टाटा।